हेलो गाय स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एम के मूवी फैक्ट पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे साउथ इंडियन की धमाकेदार मूवी साउथ इंडियन की धमाकेदार मूवी जिस फिल्म का नाम है दोस्तों रंग दे जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म रंग दे मूवी का डायरेक्टर कौन है और यह फिल्म का सुपर स्टार कौन है दोस्तों साथ ही साथ यह फिल्म का रिलीज डेट और यह फिल्म में बॉजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बतलाएँगे तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि दोस्तों इस मूवी से जुड़े कुछ और ऐसे रोमांटिक फैक्ट को भी बतलाएँगे जो दोस्तों आप लोग शायद नहीं जानते होंगे तो दोस्तों चलो अब इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें फिल्म रंग दे कि दोस्तों यह एक भारतीय तेलुगु भाषा की फिल्म है जिस फिल्म का डायरेक्टर वेंकी अतुल द्वारा डायरेक्टर में बनी फिल्म है जो कि दोस्तों यह फिल्म को 26 मार्च 2021 में रिलीज किया गया था फिल्म की सुपर स्टार अभिनेता नितिन और अभिनेत्री कीर्ति सुरेश की जोड़ी आपको इस फिल्म में देखने को नजर आएंगे फिल्म रंग दे ट्रांसल जो कि यह एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे दोस्तों वेंकिया अतुल्लरी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है सूर्य देवरा नागा वंशी और सितारा एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है फिल्म में और अभिनेत्री कीर्ति सुरेश है जबकि दोस्तों फिल्म का संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित है जबकि दोस्तों छायाकान और संपादक क्रमश पी सी श्री राम और निवान नीलू द्वारा किया गया था यह फिल्म एक नाटकीय रूप से छब्बीस मार्च दो हजार को रिलीज हुई थी और यह एक व्यावसायिक विफलता बन गई थी फिल्म रंग दे जो कि दोस्तों यह फिल्म का कहानी की ओर नजर डाले तो दोस्तों फिल्म में अर्जुन एक युवा व्यक्ति है जो कि अपने माता पिता और आस पड़ोस के सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करता है जिसमें दोस्तों कलोनी में वह रहता है और उसकी उम्र बच्चे नहीं है वह एक प्रेमिका का इच्छा रखता है जहाँ दोस्तों अनुपमा का अनु परिवार रहता है और अर्जुन अर्जुन के परिवार के सदस्य अनु से प्यार करते हैं और अर्जुन ने ईर्ष्या का बीज बो इज, बीज बोता है और समय के साथ घृणा में विकासित होता है लेकिन दोस्तों अनु ने अर्जुन के लिए भावनाओं को विकासित किया है और अर्जुन शिक्षा में गरीब है और उसकी तुलना हमेशा अनु से की जाती है जो दोस्तों एक होनहार छात्रा है और उसे परेशान परेशान करता है बात की जाए दोस्तों फिल्म यह एक तेलुगु भाषा की फिल्म है जो कि दोस्तों यह फिल्म की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की ओर नजर डाले तो दोस्तों फिल्म रंग फिल्म को बनाने में बजट तीस करोड़ की मात्रा बजट है जो दोस्तों या अपने अनुमति यानी बॉक्स ऑफिस पर अपने कलेक्शन चार दिन में अठाइस करोड़ का कलेक्शन किया था बात की जाए दोस्तों फिल्म की तो यह फिल्म में अभिनेता अर्जुन के रूप में नितिन जो कि देखने को नजर आएंगे और अभिनेत्री कीर्ति सुरेश जो कि अनुपमा अनु के रूप में दिखाई देगी जो कि दोस्तों सुपर स्टार अभिनेता नितिन और अभिनेत्री कीर्ति सुरेश की जोड़ी आपको इस फिल्म में जबरदस्त भूमिका के साथ देखने को नजर आएंगे फिल्म जो कि दोस्तों सन दो के दशक की शुरुआत में कीर्ति सुरेश ने अभिनेत्री ने अपने पिता की कुछ प्रतिस्थितियों में बाल अभिनेत्री के रूप में काम किया था जैसे कि दोस्तों पियालट सन दो हजार और कुबेर दो हजार दो और कुछ टेलीविजन जैसे फिल्म में काम किया था। फिल्म कुबेरन के ग्यारह साल बाद उन्होंने प्रिया दर्शन की हर्र फिल्म गीता जली में मुख्य अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत की थी जिसमें दोस्तों उनकी दोहरी भूमिका थी और यम वह उस समय की उस समय भी पढ़ रही थी और अपने सीमेंट अपने स्टार ब्रेक के दौरान गिनता जली के लिए शूटिंग की गई थी फिल्म और उसके प्रदर्शन की समीक्षा मिश्रित थी और सिफी ने लिखा कि वह कुछ प्रयास करती है लेकिन दोस्तों दोहरी भूमिका में दोहरी भूमिका में केवल एक समित सीमित प्रभाव डालती है जबकि रेडिफ ने खिलाफ है और उसे एक महत्वपूर्ण भूमिका मिली है लेकिन क्या वह अपने अभिनय कौशल से प्रभावित करती है या नहीं यह दूसरा बात है कि 2014 में अभिनेत्री कीर्ति सुरेश की अगली रिलीज रिंग मास्टर थी जो कि रफी और मैकाट्रीन जोड़ी में रफी द्वारा निर्देशित जिसमें उन्होंने दिलीप के साथ स्क्रीन स्पेस एस सजा किया था उन्होंने एक अंधे और लड़की की भूमिका निभाई जो कि उन्होंने कहा कि गीताजलि में उनकी दोहरी भूमिका से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण थी।, थी और यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही थी सिफी द्वारा इसे सुपरहिट करार दिया गया था और दोस्तों 2015 में कीर्ति सुरेश अभिनेत्री ने मल्लायम के बाहर अपनी पहली परियोजनाओं को स्वीकार किया था और एक साथ कई तमिल फिल्म परियोजनाओं में प्रदर्शित होने के लिए साइन किया गया और उनकी पहली फिल्म रिलीज एल विजय की रोमांटिक कॉमेडी इधु एन्ना मायाम 2015 थी जिसमें विक्रम प्रभु के विपरीत हालांकि दोस्तों फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था पूरे दो हजार पंद्रह में उनके व्यक्त व्यस्त और कार्यक्रम का मतलब था कि उन्होंने बड़ी परियोजनाओं को समस्या सम, समायोजित करने के लिए उन फिल्मों से बाहर निकला निकलना पड़ा और जिन पर उन्होंने पहले से ही काम करना शुरू कर दिया था जिसमें दोस्तों कृष्णा की माने थे और पाए और डीके की कोला और लाई और वेडम शामिल हैं इसके परिमांश रूप उन्होंने शिव कार्तिक के साथ दो फिल्म में और और उतारित और उता अधिकारित में काम किया था जो कि रंजनी और मुरुगौन और रेमो जबकि धनुष के साथ प्रभु सेलमान की तो भी मुख्य भूमिका में निभा रहे हैं उनका तेलुगु डेब्यू आईना और स्तौम होने की योजना थी और हालांकि दोस्तों फिल्म 2015 दो में विलंबित है जो कि सितंबर 2020 के बाद एक नए शीर्षक और जन जनक थो तहत तो रिलीज होने की रिपोर्ट के साथ इसके बाद अभिनेता राम पेतोननी ने राम पेतोननी के साथ 2016 की फिल्म नन्नी और सैलाजा की पहली फिल्म थी जनवरी 2017 में सत्रह में बैरवा में दिखाई दी और अभिनेता विजय के साथ और भारत द्वारा निर्देशित 2017 दो की तमिल फिल्म पम्भु और सत्ताई और तेलुगु फिल्म लोकल में भी दिखाई दी थी बात की जाए दोस्तों फिल्म में अभिनेता यानी नितिन की जोड़ी अभिनेत्री कीर्ति सुरेश के की साथ जबरदस्त चली है फिल्म की कहानी की ओर नजर डालें तो दोस्तों फिल्म में अर्जुन एक युवा व्यक्ति है जो कि अपने माता पिता और आस पड़ोस में आस पड़ोस के सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करता है जिसकी कॉलोनी में वह रहता है उसकी उम्र के बच्चे नहीं हैं और वह एक प्रेमिका की इच्छा रखता है जहां अनुपमा का अनु परिवार कर रहता है और अर्जुन के परिवार के सदस्य अनु से प्यार करते हैं और दोस्तों जो अर्जुन के ईर्ष्या का बीज बोता है और समय के साथ वह घेरना में विकसित होता है लेकिन दोस्तों अनु ने अनु ने अर्जुन के लिए भावनाओं को विकसित किया था और अर्जुन की शिक्षा में गरीबी है और उसकी तुलना हमेशा अनु से की जाती है जो कि एक होरहार छात्रा है और जो उसे परेशान करता है यतना से बचने के लिए अर्जुन ने एम बी ए करने के बाहर दुबई और स्थानांतरित करने की योजना बनाई और जहां उसकी बहन रहती है अपने दोस्त के कलेक्शन की मदद से जो कि एक कंस्ट एक कनेस्टी कनेस्टी का मालिक है और अर्जुन धोखाधड़ी के माध्यम से जिमेंट में एक उत्कृष्ट स्कोर हासिल करता है और उसके पिता का एक पार्टी देता है और अर्जुन खुश होता है और अनु से दूर जाने के बारे में फिर राहत महसूस करता है अर्जुन को सूचित किया जाता है और उसका आवेदन प्रतीक्षा सूची में है क्योंकि दोस्तों उसके पास शीर्षक विश्वविद्यालय के अन्य दो आवेदक की तुलना में अंक कम है और जिसमें उन जिसमें उसने केवल दो रिक्त सीटें हैं और जैसे कि वह अपने विश्वविद्यालय की को बदलने के लिए सहमत होता है और यह पता चला कि दो बेहतर वाले छात्रों में से एक अनु है, जो अर्जुन को निराश करता है और वह अनु की विदेश में पढ़ाई की योजना की उसकी मां को देता है जो नहीं चाहती है कि वह आगे पढ़े और बल्कि उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश करे और अन्नू की कड़ी प्रतिक्रिया के साथ वह एक बड़ी लड़ाई के बाद जाता है बदल जाता है और अंत अन्नू को टूटे दिल से टूटे दिल से शादी के लिए राजी कर देता है बात की जाए दोस्तों अन्नू का शादी का दिन वह सभा और अमापत्र का आसमान असजजनक रूप से अन्न अर्जुन को चूमती है और लाचार होकर अर्जुन परिवार के दबाव में अनु से शादी कर लेता है अपनी पहली रात में अनु के खुलासा किया कि उसने अर्जुन के उसके दोस्त के बीच एक चर्चा सुनी और अर्जुन के बीमार होने के बारे में पता चला जिससे उसकी पढ़ाई की योजना खराब हो गई थी अनु ने स्वीकार किया था कि शादी का एक योजना थी कि अर्जुन के पास अब उसे अपने साथ विदेश ले जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है वह शीर्षक विश्वविद्यालय से वापस लेने के लिए दूसरे आवेदक को बरगलाता है और शादीशुदा जोड़ा अब दुबई चला जा अब दुबई चला गया और दुबई में अर्जुन और अन्नू के बीच प्यार नफरत का रिश्ता है और एक रात की पार्टी में वापस आने के एक दिन बाद उनके दो उन उनमें से दो बीच और हल्की शारीरिक लड़ाई शुरू हो जाती है और अंत में वह सेक्स कर लेते हैं और दोस्तों अन्नू को पता चलता है कि वह गर्भवती है और अर्जुन को बताती है लेकिन दोस्तों अर्जुन इसके लिए तैयार नहीं है क्योंकि वह रिश्ते में खुश नहीं है और उसे गर्भपात कराने के कहता है और उसका आरोप है कि उसे शादी और अब पितृत्व में फंसा कर उसकी जिंदगी को नरक में बदल रही है और अपने आरोपों से नाराज अनु ने वादा किया था कि एक बार उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद वह उसे तलाक दे देगी और उसे गर्भावस्था में उसकी थोड़ी सी भी भागीदारी की उम्मीद नहीं है जोड़े के बीच की समस्या को भपानते हुए अर्जुन और अनु के माता पिता उनके पास चल जाते हैं और उन्हें शादी के लिए मनाने की कोशिश करता है हालांकि दोस्तों उनकी सलाह से प्रभावित नहीं हुए और अनु और अनु अर्जुन ने तब तक लड़ाई नहीं करने का फैसला किया था कि जब तक कि उनके माता पिता रहेंगे और इसी बीच अर्जुन खुश महसूस करता है और जब उसे लगता है कि बच्चा गर्भ से लाल मार मार रहा है और धीरे धीरे अनु प्यार के प्यार को महसूस करता है और अनु के बीच भावनाओं को भी विकसित करता है जो दोस्तों उनके पास सबसे अच्छे पलों को याद करते हैं और कैसे कीम वह अब तक कीम अपनी नफरत से अपनी नफरत के साथ रहती है और जब वह अपने प्यार का इजहार करने के लिए उस उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि उसने पहले ही तलाक को कागजात पर हस्ताक्षर कर लिया कर दिया है और उसका इंतज़ार कर रही है और अर्जुन हैरान है माफ़ी मांगता है और फिर उसे बताता है कि वह उसे कितना प्यार करता है और युगल फिर से मिलते हैं और जहां वो अपनी बेटी को जन्म दे जन्म के बाद खुश हो खुश से रहती है और अभिनेत्री कीर्ति सुरेश जो कि यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कि तेलुगु भाषा की, की फिल्म में काम करती है भारतीय अभिनेत्री कीर्ति सुरेश जोकिम तेलुगु फिल्म मलायम और फिल्मों में दिखाई देती है और उनमें से तेलुगु फिल्म महानती 2018 में अभिनेत्री सावित्री की भूमिका निभाने के लिए अपनी अभिनेत्री राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था और उन्होंने विभिन्न फिल्मों के विभिन्न फिल्मों में उनके प्रदर्शन के लिए तीन सिम्मा पुरस्कार और एक फेयर पुरस्कार दक्षिण और दो जिसने पुरस्कार तेलुगु में भी जीता था कृति की मलयालम फिल्म निर्माता जी सुरेश कुमार की बेटी और उन्नीस अस्सी के दशक के तमिल मूल में मलयालम सुपरस्टार में है और मेनका जी सुरेश कीर्ति सुरेश ने सन के दशक की शुरुआत में एक बार अभिनेत्री के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था और दोस्तों फैशन डिजाइन का अध्ययन करने के बाद फिल्मों में वापसी की और 2013 की मलायम फिल्म गिनता जली में उनकी पहली मुख्य भूमिका थी उन्होंने रिंग मास्टर 2014 और इधु एना मलायम 2015 और नन्नू सैलाजा 2016 और रंजनी मुरुगान 2016 रेमो 2016 और बैरवा 2017 हजार सत्रह लोकल दो चौदह जैसे सफल फिल्मों में अभिनय किया है 2017 में थन्ना और श्रद्धा कुटम, 2018 महांती और 2018 सरकार 2018 और सरकारों वारी पट्टा दो जैसी और बड़ी हिट फिल्मों में काम की है अभिनेत्री कीर्ति सुरेश जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो की इनका जन्म सत्रह अक्टूबर उन्नीस सौ बानवे को मद्रास अब चेन्नई में हुआ है दोस्तों बात की जाए फिल्म की अभिनेत्री कीर्ति सुरेश जो कि तमिलनाडु भारत में है और यह एक भारतीय अभिनेत्री है इनके अभिनय करियर की शुरुआत की ओर नजर डाले तो दोस्तों सन दो की दशक की शुरुआत में अभिनेत्री कीर्ति सुरेश ने अपनी फिल्मी अपने पिता की कुछ प्रतिष्ठियों में एक बार अभिनेत्री के रूप में काम किया था जैसे कि दोस्तों पायलट सन 2000 और कुरबेरान 2002 जैसे एक से बढ़कर एक हिट फिल्म में अभिनय किया है बात की जाए दोस्तों अभिनेता सुपरस्टार अभिनेता विजय कृष्णा नरेश जो कि यह एक भारतीय अभिनेता है जो कि दोस्तों तेलुगु भाषा की फिल्म में काम करते हैं जिन्होंने नरेश नरेश के नाम से भी जाना जाता है और यह एक भारतीय अभिनेता है राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता है जिन्होंने मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं तेलुगु टेलीविजन की उनकी कार्यों के लिए जाना जाता है और उन्होंने उन्नीस सौ सत्तर में एक बच्चे के रूप में अभिनय करना शुरू किया था और दोस्तों लगभग दूसरे फिल्मों में विभिन्न भूमिकाओं में मुख्य और सहायक अभिनेता दोनों के रूप में अभिनय किया है रिंदू और जल्ला सीता उन्नीस से तिहत्त उन्नीस सौ तिरासी अश्री वर्ग की प्रेम लेख उन्नीस सौ चौरासी श्री कन्नक महालक्ष्मी रिकॉर्डिंग डांस ग्रुप उन्नीस और वबा वबा पनीरू उन्नीस नवासी और मंसू ममता उन्नीस नवासी उन्नीस नब्बे और जब्बा जैसे फिल्म में काम किया है जून 2019 में जून 2019 में सूत्री ने दावा किया था कि नितिन को बिकी अतुलारी द्वारा निर्देशित एक नई परियोजना के लिए संपर्क किया गया था जिन्होंने थोली प्रेम का निर्देशन किया था और मिस्टर मजनू और सितारा एंटरटेनमेंट को फिल्म का निर्माण करने की सूचना मिली थी कीर्ति सूर्य साहब भी नेत्री को मुख्य भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया गया था और सितारा एंटरटेनमेंट ने 24 जून 2019 को आधिकारिक तौर पर परियोजना की पुष्टि की गई थी जिसमें दोस्तों नितिन और कीर्ति सुरेश प्रमुख अभिनेता अभिनेता थे और अनुभवी छायाकार पीसी श्री राम ने परियोजना में अपने हिस्से की पुष्टि की थी अगस्त 2019 में देवी श्री प्रसाद ने फिल्म के संगीत पर काम करना शुरू किया था और फिल्म ने फिल्म को 8 अक्टूबर 2019 को दशहरा के अवसर पर सितारा इंटरटेनमेंट के कार्यालय में लंच किया गया था हालांकि दोस्तों हिस्से को हैदराबाद में फिल्माया गया था लेकिन नितिन द्वारा अपनी एक अन्य फिल्म विषम के लिए एक गाने की शूटिंग के लिए इटली जाने के बाद टीम ने एक ब्रेक लिया था फिल्म की सिनेमाटोग्राफी पीसी श्री राम द्वारा फरवरी 2020 में हैदराबाद में शूटिंग के साथ एक पर्दे के पीछे वीडियो जारी किया गया था 20 मार्च 2020 को भारत में कोविड 19 महामारी के कारण फिल्म की शूटिंग रुक जाने के बाद फिल्म की शूटिंग सितंबर 2020 में सरकार द्वारा कोविड 19 महामारी को नियंत्रित करने के निर्देशक दिए और दिए गए सुरक्षा और दिशा निर्देशकों के साथ फिर से शुरू हुई थी। फिल्म का पोस्टर लॉकडाउन शेड्यूल 7 अक्टूबर 2020 को लपेटा गया था और गाने की शूटिंग के लिए विदेशी शेड्यूल के साथ 25 अक्टूबर को इटली इटली में होना था लेकिन दिसंबर 2020 में निर्माताओं ने दुबई में मेरे कॉल गार्डन में कुछ हिस्से की शूटिंग की और जो कि पहले सप्ताहांत के भीतर पूरा हो गया था कुछ पैच वर्क और दृश्य के साथ टीम ने जनवरी 2021 के माध्यम से शूटिंग पूरी कर ली थी मार्च 2021 में अभिनेता निथिन ने एक साक्षात्कार में कहा था कि फिल्म रंगदे में रोमांस सौली में उनकी उनके उनकी अंतिम और फिल्म होगी जो कि दोस्तों फिल्म की गीत संगीत की ओर नजर डाले तो दोस्तों फिल्म का साउंड ट्रैक देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित है जो कि वेंकियातुल तो लरी ने सामान्य संगीतकार और एस थमन की जगह ले लेता है इन्होंने थोली प्रेमा को मिस्टर मजनू में निर्देशित किया गया था और फिल्म रंगदेन ने अतुल्हर के साथ प्रसाद के पहले सहयोग को चिह्नित किया था जिन्होंने दोस्तों अगस्त 2019 दो में फिल्म को संगीत पर काम करना शुरू किया और पहले एकल एमिटो एमिटोधि और प्रस्तावाना पाँच नवंबर 2020 को रिलीज हुई थी और दोस्तों सात नवंबर को रिलीज होने वाली फिल्म हालांकि दोस्तों तकनीकी कठिनाइयों के कारण इसे अंत 12 नवंबर 2020 को जारी किया गया था और दूसरा गीत बस एस बस एस्टेंड दो फरवरी 2021 को रिलीज किया गया था और दोस्तों बात की जाए फिल्म में अभिनेता नितिन जो कि यह एक भारतीय अभिनेता है जो कि दोस्तों फिल्म रंगदे में अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ देखने को नजर आएंगे और 2015 में अभिनेत्री कीर्ति सुरेश जो कि मलायम से मलायम के बाहर अपनी पहली परियोजनाओं को स्वीकार किया और एक साथ कई तमिल फिल्म परियोजनाओं को प्रदर्शित होने के लिए साइन किया गया था फिल्म से बाहर निकलना पड़ा और जिनमें से उन्होंने पहले हिस्से को पर इसमें से परिमांशक रूप होना का होने के साथ साथ फिल्म में उत्तर अधिकारित में काम किया था मूवी फैक्ट पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे साउथ इंडियन की धमाकेदार मूवी साउथ इंडियन की धमाकेदार मूवी जिस फिल्म का नाम है दोस्तों रंगदे जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म रंगदे मूवी का डायरेक्टर कौन है और यौ फिल्म का सुपर स्टार कौन है दोस्तों साथ ही साथ यवा फिल्म का रिलीज डेट और यह फिल्म में बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बतलाएँगे तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि दोस्तों इस मूवी से जुड़े कुछ और ऐसे रोमांटिक फैक्ट को भी बतलाएँगे जो दोस्तों आप लोग शायद नहीं जानते होंगे तो दोस्तों चलो अभी इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ आइकन प्रेस कर दें। फिल्म रंग दे जो कि दोस्तों यह एक भारतीय तेलुगु भाषा की फिल्म है जिस फिल्म का डायरेक्टर वेंकी अतुल लोरी द्वारा डायरेक्टर में बनी फिल्म है जो कि दोस्तों यह फिल्म को 26 मार्च 2021 में रिलीज किया गया था फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता नितिन और अभिनेत्री कीर्ति सुरेश की जोड़ी आपको इस फिल्म में देखने को नजर आएंगे फिल्म रंग दे ट्रांसल जो कि यह एक दो हजार की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे दोस्तों वेंकियातुल ली द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है सूर्य देवरा नागा वंशी और सितारा एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है फिल्म में और अभिनेत्री कीर्ति सुरेश है जबकि दोस्तों फिल्म का संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित है जबकि दोस्तों छायाकान और संपादक क्रमश पी सी श्री राम और निवान नीलू द्वारा किया गया था यह फिल्म एक नाटकीय रूप से छब्बीस मार्च दो हजार को रिलीज हुई थी और यह एक व्यावसायिक विफलता बन गई थी फिल्म रंग दे जो कि दोस्तों यह फिल्म का कहानी की ओर नजर डाले तो दोस्तों फिल्म में अर्जुन एक युवा व्यक्ति है जो कि अपने माता पिता और आस पड़ोस के सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करता है जिसमें दोस्तों कलोनी में व रहता है और उसकी उम्र बच्चे नहीं है वह एक प्रेमिका का, का इच्छा रखता है जहां दोस्तों अनुपमा का परिवार रहता है और अर्जुन अर्जुन के परिवार के सदस्य अनु से प्यार करते हैं और अर्जुन में ईर्ष्या का बीज इस बीज बोता है और समय के साथ या घृणा में विकासित होता है लेकिन दोस्तों अनु ने अर्जुन के लिए भावनाओं को विकासित किया है और अर्जुन शिक्षा में गरीब है और उसकी तुलना हमेशा अनु से की जाती है जो दोस्तों एक होनहार छात्रा है और उसे परेशान परेशान करता है बात की जाए दोस्तों फिल्म यह एक तेलुगु भाषा की फिल्म है जो कि दोस्तों यह फिल्म की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की ओर नजर डाले तो फिल्म रंग दे जो कि दोस्तों यह फिल्म को बनाने में बजट तीस करोड़ की मात्रा जो कि दोस्तों यह फिल्म अपने अनुमति यानी बॉक्स ऑफिस पर अपने कलेक्शन चार दिन में अट्ठाइस करोड़ का कलेक्शन किया था बात की जाए दोस्तों फिल्म की तो यह फिल्म में अभिनेता अर्जुन के रूप में नितिन जो कि देखने को नजर आएंगे और अभिनेत्री कीर्ति सुरेश जो कि अनुपमा अनु के रूप में दिखाई देगी जो कि दोस्तों सुपर स्टार अभिनेता नितिन और अभिनेत्री कीर्ति सुरेश की जोड़ी आपको इस फिल्म में जबरदस्त भूमिका के कि साथ देखने को नजर आएंगे फिल्म जो कि दोस्तों सन दो के दशक की शुरुआत में कीर्ति सुरेश ने अभिनेत्री ने अपने पिता की कुछ प्रतिस्तियों में बाल अभिनेत्री के रूप में काम किया था जैसे कि दोस्तों पी अलर्ट सन 2000 और अचन नन्नी किस्म 2001 और कुबेरन 2002 और कुछ टेलीविजन धारावाहिक जैसे फिल्म में काम किया था फिल्म कुबेरन के 11 साल बाद उन्होंने प्रिया दर्शन की हर्रा फिल्म गीता जली में मुख्य अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत की थी जिसमें दोस्तों उनकी दोहरी भूमिका थी और यम वह उस समय की उस समय भी पढ़ रही थी और अपने सीमेंट अपने स्टार ब्रेक के दौरान गिनता जली के लिए शूटिंग की गई थी फिल्म और उसके प्रदर्शन की समीक्षा मिश्रित थी और सिफी ने लिखा कि वह कुछ प्रयास करती है लेकिन दोस्तों दोहरी भूमिका में दोहरी भूमिका में केवल एक समित सीमित प्रभाव डालती है जबकि रेडिफ ने खिलाफ है और उसे एक महत्वपूर्ण भूमिका मिली है लेकिन क्या वह अपने अभिनय कौशल से प्रभावित करती है या नहीं यह दूसरा बात है कि 2014 में अभिनेत्री कीर्ति सुरेश की अगली रिलीज रिंग मास्टर थी जो कि रफी और मैकार्टिन जोड़ी में रफी द्वारा निर्देशित जिसमें उन्होंने दिलीप के साथ स्क्रीन स्पेस एस सजा किया था उन्होंने एक अंधे और लड़की की भूमिका निभाई जो कि उन्होंने कहा कि गीताजलि में उनकी दोहरी भूमिका से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण थी।, थी और यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही थी सिफी द्वारा इसे सुपरहिट करार दिया गया था और दोस्तों 2015 में कीर्ति सुरेश अभिनेत्री ने मल्लायम के बाहर अपनी पहली परियोजनाओं को स्वीकार किया था और एक साथ कई तमिल फिल्म परियोजनाओं में प्रदर्शित होने के लिए साइन किया गया और उनकी पहली फिल्म रिलीज ए ए एल -ए 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 विजय की रोमांटिक कॉमेडी इधू एन्ना मायाम 2015 थी जिसमें विक्रम प्रभु के विपरीत हालांकि दोस्तों फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था पूरे दो हजार पंद्रह में उनके और कार्यक्रम का मतलब था कि उन्होंने बड़ी परियोजनाओं को समस्या सम, समायोजित करने के लिए उन फिल्मों से बाहर निकला निकलना पड़ा और जिन पर उन्होंने पहले से ही काम करना शुरू कर दिया था जिसमें दोस्तों कृष्णा की माने थे और पाए और डीके की कोला कॉल लाई और वेडम शामिल हैं इसके परिमांशक रूप उन्होंने शिव कार्तिक केन के साथ दो फिल्म में अतिरिक्त और उतारित और उतार अधिकारित में काम किया था जो कि रंजनी और मुरुगन और रेमो जबकि धनुष के साथ प्रभु सलमान की तोड़ारी भी मुख्य भूमिका में निभा रहे हैं उनका तेलुगु डेब्यू आईना और स्तमन नुब्बो होने की योजना थी और हालांकि दोस्तों फिल्म 2015 दो में विलंबित है जो कि सितंबर 2020 के बाद एक नए शीर्षक और जन के साथ तहत तो रिलीज होने की रिपोर्ट के साथ इसके बाद अभिनेता राम पेतोननी ने राम पेतोननी के साथ 2016 की फिल्म नैन्नी और सैलाजा की पहली फिल्म थी जनवरी 2017 सत्र में सत्रह कीर्ति बैरवा में दिखाई दी और अभिनेता विजय के साथ और भारत द्वारा निर्देशित 2017 दो की तमिल फिल्म पम्भु और सत्ताई और तेलुगु फिल्म लोकल में भी दिखाई दी थी बात की जाए दोस्तों फिल्म में अभिनेता यानी नितिन की जोड़ी अभिनेत्री कीर्ति सुरेश के की साथ जबरदस्त चली है फिल्म की कहानी की ओर नजर डाले तो दोस्तों फिल्म में अर्जुन एक युवा व्यक्ति है जो कि अपने माता पिता और आस पड़ोस में आस पड़ोस के सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करता है जिसकी कॉलोनी में वह रहता है उसकी उम्र के बच्चे नहीं है और वह एक प्रेमिका की इच्छा रखता है जहां अनुपमा का अनु परिवार कर रहता है और अर्जुन के परिवार के सदस्य अनु से प्यार करते हैं और दोस्तों जो अर्जुन के ईर्ष्या का बीज बोता है और समय के साथ वह घेरना में विकसित होता है लेकिन दोस्तों अनु ने अनु ने अर्जुन के लिए भावनाओं को विकसित किया था और अर्जुन की शिक्षा में गरीबी है और उसकी तुलना हमेशा से की जाती है जो कि एक होता है और जो उसे परेशान करता है। यतना से बचने के लिए अर्जुन ने एम बी ए करने के बाहर दुबई और स्थानांतरित करने की योजना बनाई और जहां उसकी बहन रहती है अपने दोस्त के कलेक्शन की मदद से जो कि एक, एक कनेश्टी, का मालिक है और अर्जुन धोखाधड़ी के माध्यम से जिमेंट में एक उत्कृष्ट स्कोर हासिल करता है और उसके पिता का एक पार्टी देता है और अर्जुन खुश होता है और अनु से दूर जाने के बारे में भी राहत महसूस करता है अर्जुन को सूचित किया जाता है और उसका अवेदन प्रतीक्षा सूची में है क्योंकि दोस्तों उसके पास शीर्षक विश्वविद्यालय के अन्य दो आवेदक की तुलना में अंक कम है और जिसमें उन जिसमें उसने केवल दो रिक्त सीटें हैं और जैसे कि वह अपने विश्वविद्यालय की को बदलने के लिए सहमत होता है और यह पता चला कि दो बेहतर वाले छात्रों में से एक अनु है, जो को है को निराश करता और वह अनु की विदेश में पढ़ाई की योजना की उसकी मां को देता है जो नहीं चाहती है कि वह आगे पढ़े और बल्कि उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश करे और अन्नू की कड़ी प्रतिक्रिया के साथ वह एक बड़ी लड़ाई के बाद जाता है बदल जाता है और अंत अन्नू को टूटे दिल से टूटे दिल से शादी के लिए राजी कर देता है बात की जाए दोस्तों अन्नू का शादी का दिन वह सभा और अमापत्र का आसमान असजनक रूप से अन्नु अर्जुन को चूमती है और लाचार होकर अर्जुन परिवार के दबाव में अनु से शादी कर लेता है अपनी पहली रात में अनु के खुलासा किया कि उसने अर्जुन के उसके दोस्त के बीच एक चर्चा सुनी और अर्जुन के बीमार होने के बारे में पता चला जिससे उसकी पढ़ाई की योजना खराब हो गई थी अनु ने स्वीकार किया था कि शादी का एक योजना थी कि अर्जुन के पास अब उसे अपने साथ विदेश ले जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है वह शीर्षक विश्वविद्यालय से वापस लेने के लिए दूसरे आवेदक को बरगलाता है और शादीशुदा जोडाम अब दुबई चला जा तो अब दुबई चला गया और दुबई में अर्जुन और के बीच प्यार नफरत का रिश्ता है और एक रात की पार्टी में वापस आने के एक दिन बाद उनके दो उन उनमें से दो बीच और हल्की शारीरिक लड़ाई शुरू हो जाती है और अंत में वह कर लेते हैं और दोस्तों अनु को पता चलता है कि वह गर्भवती है और अन, अर्जुन को बताती है लेकिन दोस्तों अर्जुन इसके लिए तैयार नहीं है क्योंकि वह रिश्ते में खुश नहीं है और उसे गर्भपात कराने के कहता है और उसका आरोप है कि अन्नू उसे शादी और अब पितृत्व में फंसाकर उसकी जिंदगी को नरक में बदल रही है और अपने आरोपों से नाराज अनु ने वादा किया था कि एक बार उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद वह उसे उसे तलाक दे देगी और गर्भावस्था में उसकी थोड़ी सी भी भागीदारी की उम्मीद नहीं है जोड़े के बीच की समस्या को भाते हुए अर्जुन और अनु के माता पिता उनके पास चल जाते हैं और उन्हें शादी के लिए मनाने की कोशिश करता है हालांकि दोस्तों उनकी सलाह से प्रभावित नहीं हुए और अनु और अनु अर्जुन ने तब तक लड़ाई नहीं करने का फैसला किया था कि जब तक कि उनके माता पिता रहेंगे और इसी बीच अर्जुन खुश महसूस करता है और जब उसे लगता है कि बच्चा गर्भ से लाल मार रहा है और धीरे धीरे अनु प्यार के प्यार को महसूस करता है और अनु के बीच भावनाओं को भी विकसित करता है जो दोस्तों उनके पास सबसे अच्छे पलों को याद करते हैं और कैसे कीम वह अब तक अपनी नफरत से अपनी नफरत के साथ रहती है और जब वह अपने प्यार का इजहार करने के लिए उस उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि उसने पहले ही तलाक़ को कागजात पर हस्तचाख कर लिया कर दिया है और उसका इंतज़ार कर रही है और अर्जुन हैरान है माफ़ी मांगता है और फिर उसे बताता है कि वह उसे कितना प्यार करता है और युगल फिर से मिलते हैं और जहां वो अपनी बेटी को जन्म दे जन्म के बाद खुश हो खुश से रहती है और अभिनेत्री कीर्ति सुरेश जो कि यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कि तेलुगु भाषा की, की फिल्म में काम करती है भारतीय अभिनेत्री कीर्ति सुरेश तेलुगु फिल्म मलायम और फिल्मों में दिखाई देती है और उनमें से तेलुगु फिल्म महान्ति 2018 में अभिनेत्री सावित्री की भूमिका निभाने के लिए अपनी अभिनेत्री राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था और उन्होंने विभिन्न फिल्मों के विभिन्न फिल्मों में उनके प्रदर्शन के लिए तीन सिम्मा पुरस्कार और एक फेयर पुरस्कार दक्षिण और दो जिसने पुरस्कार तेलुगु में जीता था। थार्ति की मलायम फिल्म निर्माता जी सुरेश कुमार की बेटी और उन्नीस सौ अस्सी के दशक के में मलयालम सुपरस्टार में है और मेनका जी सुरेश कीर्ति सुरेश ने सन दो हजार के दशक की शुरुआत में एक बार अभिनेत्री के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था और दोस्तों फैशन डिजाइन का अध्ययन करने के बाल फिल्मों में वापसी की और 2013 की मलायम फिल्म गिनता जली में उनकी पहली मुख्य भूमिका थी उन्होंने रिंग मास्टर 2014 और इधु एना मलायम 2015 और नेनु सैलाजा 2016 और रंजनी मुरुगान 2016 रेमो 2016 और बैरवा 2017 हज़ार लोकल चौदह जैसे सफल फिल्मों में अभिनय किया है 2017 में थन्ना और श्रद्धा कुटम 2018 महांती और 2018 सरकार 2018 और सरकारों वारी पट्टा दो जैसी और बड़ी हिट फिल्मों में काम की है अभिनेत्री कीर्ति सुरेश जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कि इनका जन्म सत्रह अक्टूबर उन्नीस सौ को मद्रास अब चेन्नई में हुआ है दोस्तों बात की जाए फिल्म की अभिनेत्री कीर्ति सुरेश जो कि तमिलनाडु भारत में है और यह एक भारतीय अभिनेत्री है इनके अभिनय करियर की के शुरुआत की ओर नजर डाले तो दोस्तों सन दो हजार की दशक की शुरुआत में अभिनेत्री कीर्ति सुरेश ने अपने, अपने पिता की कुछ प्रतिष्ठियों में एक बार अभिनेत्री के रूप में काम किया था जैसे कि दोस्तों पायलट सन दो और कुर्बेर दो हजार दो जैसे एक से बढ़कर एक हिट फिल्म में अभिनय किया है बात की जाए दोस्तों अभिनेता सुपरस्टार अभिनेता विजय कृष्णा नरेश जो कि यह एक भारतीय अभिनेता है जो कि दोस्तों तेलुगु भाषा की फिल्म में काम करते हैं जिन्होंने नरेश नरेश के नाम से भी जाना जाता है और यह एक भारतीय अभिनेता है राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता है जिन्होंने मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं तेलुगु टेलीविजन की उनकी कार्यों के लिए जाना जाता है और उन्होंने उन्नीस में एक बच्चे के रूप में अभिनय करना शुरू किया था और दोस्तों लगभग दूसरे फिल्मों में विभिन्न भूमिकाओं में मुख्य और सहायक अभिनेता दोनों के रूप में अभिनय किया है हिंदू और जल्ला सीता उन्नीस से तिहत्तर उन्नीस से तिरासी असरी वर्ग की प्रेम लेख उन्नीस सौ चौरासी असरी कन्नक महालक्ष्मी रिकॉर्डिंग डांस ग्रुप उन्नीस सौ सतासी और वबा, वबा पनीरू उन्नीस सौ नवासी और मंसू ममता उन्नीस सौ नब्बे और जैसे में काम किया है जून 2019 में जून 2019 में सूत्री ने दावा किया था कि निथिन को बिकी अतुलारी द्वारा निर्देशित एक नई परियोजनाओं के लिए संपर्क किया गया था जिन्होंने थोली प्रेम का निर्देशन किया था और मिस्टर मजनू और सितारा इंटरटेनमेंट को फिल्म का निर्माण करने की सूचना मिली थी कीर्ति भी अभिनेत्री को मुख्य भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया गया था और सितारा इंटरटेनमेंट ने 24 जून दो उन्नीस को आधिकारिक तौर पर परियोजनाओं की पुष्टि की गई थी जिसमें दोस्तों नितिन और कीर्ति सुरेश प्रमुख अभिनेता अभिनेता थे और अनुभवी छायाकार पीसी श्री राम ने परियोजना में अपने हिस्से की पुष्टि की थी अगस्त 2019 में देवी श्री प्रसाद ने फिल्म के संगीत पर काम करना शुरू किया था और फिल्म ने फिल्म को 8 अक्टूबर 2019 को दशहरा के अवसर पर सितारा इंटरटेनमेंट के कार्यालय में लंच किया गया था हालांकि दोस्तों हिस्से को हैदराबाद में फिल्माया गया था लेकिन नितिन द्वारा अपनी एक अन्य फिल्म विषम के लिए एक गाने की शूटिंग के लिए इटली जाने के बाद टीम ने एक ब्रेक लिया था फिल्म की सिनेमाटोग्राफी पीसी श्री राम द्वारा फरवरी 2020 में हैदराबाद में शूटिंग के साथ एक पर्दे के पीछे वीडियो जारी किया गया था 20 मार्च 2020 को भारत में कोविड 19 महामारी के कारण फिल्म की शूटिंग रुक जाने के बाद फिल्म की शूटिंग सितंबर 2020 में सरकार द्वारा कोविड 19 महामारी को नियंत्रित करने के निर्देशक दिए और दिए गए सुरक्षा और दिशा निर्देशकों के साथ फिर से शुरू हुई थी। फिल्म का पोस्टर लॉकडाउन शेड्यूल 7 अक्टूबर 2020 को लपेटा गया था और गाने की शूटिंग के लिए विदेशी शेड्यूल के साथ 25 अक्टूबर को इटली इटली में होना था लेकिन दिसंबर 2020 में निर्माताओं ने दुबई में मेरे कॉल गार्डन में कुछ हिस्से की शूटिंग की और जो कि पहले सप्ताहांत के भीतर पूरा हो गया था। कुछ दृश्य के साथ टीम ने जनवरी 2021 के माध्यम से शूटिंग पूरी कर ली थी मार्च 2021 में अभिनेता निथिन ने एक साक्षात्कार में कहा था कि फिल्म रंगदे में रोमांस शैली में उनकी उनके उनकी, उनकी अंतिम और फिल्म होगी जो कि दोस्तों फिल्म की गीत संगीत की ओर नज़र डालें तो दोस्तों फिल्म का साउंड ट्रैक देवी प्रसाद द्वारा रचित है जो कि वेंकी अतुल तो लहरी ने सम्मान्य संगीतकार और एस थमन की जगह ले लेता है इन्होंने थोली प्रेमा को मिस्टर मजनू में निर्देशित किया गया था और फिल्म रंगदेन ने अतुल्हर के साथ प्रसाद के पहले सहयोग को चिन्हित किया था जिन्होंने दोस्तों अगस्त 2019 में फिल्म को संगीत पर काम करना शुरू किया और पहले एकल एमिटो इधि और प्रस्तावना पाँच नवंबर 2020 को रिलीज हुई थी और दोस्तों सात नवंबर को रिलीज होने वाली फिल्म हालांकि दोस्तों तकनीकी कठिनाइयों के कारण इसे अंत बारह नवंबर 2020 को जारी किया गया था और दूसरा गीत बस स्टैंड बस स्टैंड दो सत्ताईस फरवरी दो को रिलीज किया गया था और दोस्तों बात की जाए फिल्म में अभिनेता नितिन जो कि यह एक भारतीय अभिनेता है जो कि दोस्तों फिल्म रंगदे में अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ देखने को नजर आएंगे और 2015 में अभिनेत्री कीर्ति सुरेश जो कि मलायम से मलायम के बाहर अपनी पहली परियोजनाओं को स्वीकार किया और एक साथ कई तमिल फिल्म परियोजनाओं को प्रदर्शित होने के लिए साइन किया गया था फिल्म से बाहर निकलना पड़ा और जिनमें से उन्होंने पहले हिस्से को पर इसमें से परिमांशक रूप होना का होने के साथ-साथ फिल्म में उत्तराधिकारित में काम किया था